Hello friends and welcome to the channel. If you are new to my channel, please subscribe the channel by clicking the subscribe button and click the bell icon to get all the notifications of Dr. BRC's videos. तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर BRC के बारे में, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के बारे में, कि वो अपने DIP डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध से बनी चीज़ों को क्यों मना करते हैं. उसके हम 5-6 रीजंस को, मेन रीजंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं. तो इसमें 5 रीजंस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो उन्होंने अपनी अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है. कहीं कहीं से उसको मैंने हर जगह से उठाकर इस वीडियो में डाल के आपको समझाने वाला हूँ और उन्हीं के रीजंस समझाने वाला हूँ. तो नंबर 1 है गट इन्फ्लेमेशन. तो जो दूध होता है जब आप उसे पीते हैं या उसकी चीज़ें खाते हैं तो वो गट में इन्फ्लेमेशन करता है, यानी कि वो अंदर जख्म पैदा करता है जिससे कि दर्द होता है. फिर फूड पाइप में इन्फ्लेमेशन करता है, यानी कि फूड पाइप में जख्म करता है. और जब भी आप चाय पीते हैं या फिर दूध की कोई चीज़ खाते हैं तो फिर वो एसिडिटी भी करता है, क्योंकि वो 18 घंटे तक आपके पेट में एसिड को रखता है. और फिर उसके बाद अगर आप 18 घंटे तक कुछ और चीज़ खाते हैं और वो कभी उसके साथ रिएक्ट होती है तो फिर वो एसिडिटी कॉज कर देती है. नंबर 4 पे एक इसका ये भी है कि वे अल्सर कॉज करता है, यानी कि छाले. तो ये था फर्स्ट रीज़न कि आपको मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों छोड़ने चाहिए. गट इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो डैमेज टिश्यू और फॉरेन सब्सटेंसेस को हटाने के लिए होता है. तो मिल्क एक फॉरेन सब्सटेंस होता है बॉडी के लिए, इसलिए वो इन्फ्लेमेशन करके वहाँ पर जख्म कर देता है और वहाँ पर जो है चीज़ें चिपकने लग जाती हैं. तो ये एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है, लेकिन ये मिल्क जो है वो पहले तो एक्यूट करता है लेकिन इसके कंटिन्यूस कंजम्पशन की वजह से वो क्रॉनिक में भी बदल सकता है. सेकेंड जो इसका रीज़न है वो है ये कार्सिनोजेनिक होता है. मतलब इसमें एक जो प्रोटीन होता है वो केसीन मिल्क में और प्रोसेस्ड मिल्क में होता है. ये जो प्रोटीन होता है ये कैंसर सेल्स को ऑन और ऑफ करता रहता है हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स होते ही हैं हर एक बॉडी में होते हैं, लेकिन जब हम इस प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं तो वो कैंसर सेल्स को डिस्टर्ब करता है, कभी उनको एक्टिव करता है तो कभी उनको डीएक्टिवेट कर देता है. तो इस वजह से उनके अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और कभी कभी वो बढ़कर कैंसर का रूप ले लेता है. ये था सेकंड रीज़न मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ने का. अब आते हैं थर्ड रीज़न पे जो कि है ब्लॉकेजेस. ब्लॉकेजेस कब होती है, जब कोलेस्ट्रॉल कहीं पर जम जाता है हमारी बॉडी के अंदर वेन्स में. तो मिल्क जो होता है वो एनिमल जैसे कि काओ या बफेलो से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एनिमल के पास ही एक ऐसी शक्ति होती है कोलेस्ट्रॉल को खुद बनाने की. कोई भी प्लांट प्रोड्यूस में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, काजू में भी कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है. तो ये सिर्फ एनिमल के पास ही कैपेसिटी होती है कि वह कोलेस्ट्रॉल बना सकता है. और दूध में भी कोलेस्ट्रॉल और दूध की सारी चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है. इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट ब्लॉकेजेस बढ़ जाती है वेन्स में और उसमें मल्टीपल डिजीजेस हो जाते हैं जैसे कि BP, शुगर वगैरह. तो ये है थर्ड रीज़न मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ने का. इसका जो फोर्थ रीज़न है वो है ऑटो इम्यून डिजीजेस. इसको बहुत ही अच्छे से बहुत सारी वीडियोस में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी दे पा रहा हूँ. देखिए, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1 या फिर आर्थराइटिस या फिर और भी कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़. अब ऑटो इम्यून डिजीज़ इससे कैसे हो सकते हैं वो भी आपको उन्होंने बताया है. जैसे कि जो प्रोटीन होता है केसीन जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में या प्रोसेस्ड मीट में होता है पाया जाता है, उसके अंदर उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो है 17 रिंग्स होती हैं उसके अंदर. तो वो 17 रिंग्स हमारी इंटेस्टाइन के लेयर से जब ब्लड में घुलने से पहले ही वो
टूटनी चाहिए लेकिन वो नहीं टूटती हैं। वो 17 रिंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज़ हमारी ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व हो जाता है और घुल जाता है। तो इसके बाद इस 17 रिंग्स वाले स्ट्रक्चर को हमारी बॉडी एक फॉरेन मटेरियल के रूप में लेती है। नंबर वन, इससे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, और नंबर टू, जो ब्रेन है वो इम्यूनिटी को मैसेज देता है कि 17 रिंग्स वाले जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें आपको ख़त्म करना है। तो इसकी वजह से इम्यूनिटी पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं जिनमें 17 रिंग्स होती हैं, वो उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। अपनी ही इम्यूनिटी अपने आप को ही अटैक करना शुरू कर देती है। जो वो केसिन प्रोटीन होता है उन पे तो अटैक होता ही है, साथ ही साथ जो पैनक्रियाज में हमारे बीटा सेल्स होते हैं, बीटा 1 सेल्स, उनमें भी 17 रिंग्स होती हैं, तो उन पे भी अटैक होना शुरू हो जाता है, जो कि इंसुलिन बनाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन जब वो हम इसकी निरंतर कंजम्पशन करते रहते हैं, तो वो बीटा सेल्स एक दिन बनने बंद हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। और ऑटो इम्यून रिएक्शंस भी होते हैं इससे, जैसे कि आर्थराइटिस, तो इसके वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ का कॉज बन जाता है। नंबर 5 पे है इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी बन जाता है, जैसे कि इसमें ये थायराइड वाले ग्लैंड्स में छेड़छाड़ कर सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। उसकी वजह से फेशियल एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ भी हो सकता है, और जो है डिजीजेस हो सकते हैं जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, जैसे कि थायराइड। इट क्रिएट्स हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी, रिजल्टिंग इन वेरियस हार्मोनल डिजीजेस। तो ये था वीडियो जिसमें 5 रीजंस मैंने एक्सप्लेन किए अलग अलग वीडियो से उठाकर, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ने के लिए आपको कंपेल करते हैं। ये था आज का वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।